हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स। और आज हम लोग बात करेंगे एंजल नंबर 2525 के बारे में। अगर आपको ये नंबर बहुत दिख रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम से दिख रहा है और एक ही नंबर रिपीटिंग वेज में आपके सामने आ रहा है, तो आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड आपको डेफिनेटली कोई मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं उन सारे मैसेजेस के बारे में जो इस नंबर के साथ एसोसिएटेड हैं या फिर रिलेट करते हैं। तो जब भी आपको आपका एंजल नंबर 2525 दिखे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़ना है, आप उसमें स्टक हो चुके हो। एक्चुअली हर एंजल नंबर ये आपको डेफिनेटली बताता है कि आपको अपने पास्ट को पास्ट में ही रहने देना है। वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो पहले थी, उसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को ख़राब मत कीजिए। और ये हर एंजल नंबर बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि पास्ट ख़त्म हो चुका है, वो बीत चुका है, उसका आपकी प्रेजेंट मोमेंट से और फ्यूचर मोमेंट से कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट और फ्यूचर का कहीं ना कहीं कनेक्शन हो सकता है, लेकिन जितने भी पास्ट मोमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग में आपकी हेल्प करेंगी। उन मिस्टेक से आपको सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है, उनमें स्टक नहीं होना है, उनमें उनमें आपको फंस के नहीं बैठना है, उनसे आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। तो जितने भी आपके ओल्ड डाउट्स हैं, आपके ओल्ड फियर्स हैं, आपके ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको आपको ख़त्म करना है, उनको आपको रिलीज़ करना है और आपको अपने फ्यूचर मोमेंट्स को एक न्यू अपॉर्चुनिटी और एडवेंचर और होप के साथ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितनी भी चीज़ें आपके लाइफ में होती हैं वो कहीं ना कहीं एक रीज़न की वजह से होती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर आप इस मोमेंट पे भी अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखोगे भी, तो आपको पता चलेगा कि हर जो भी आपकी लाइफ में मैटर है या कोई भी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं आपको एक ग्रोथ की तरफ लेके जा रही हैं। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो एक रीज़न की वजह से हो रही हैं। कोई भी चीज़ें, नथिंग हैपन्स बाई अ चांस, चांस की वजह से कोई भी चीज़ नहीं हो रही है। हर चीज़ एक रीज़न की वजह से हो रही है जो आपको आपके एम की तरफ, आपको आपके एक बेटर वर्जन की तरफ लेके जा रही है। तो रीज़न्स हैं जो वो चेंजेस की तरफ आपको लेके जा रही हैं। और शायद कई बार ऐसा हो सकता है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपको इस मोमेंट पे या उस पॉइंट पे जहाँ पे भी आप हो, आपको क्लैरिटी के साथ नहीं मिल रही हैं, लेकिन आप ट्रस्ट कीजिए, जब चीज़ें अपने आप सही जगह पे पहुँच जाएंगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप हर चीज़ को अच्छी तरह से समझोगे और देखोगे और आपको पता चलेगा कि आपके डिवाइन पावर ने जितनी भी चीज़ें की वो आपके बेस्ट के लिए की। तो आपको अपनी जितनी भी ओल्ड हैबिट्स हैं उनको ब्रेक करना होगा, क्योंकि चेंज हमेशा आपको न्यू वर्जन बनाने के लिए आता है और उसके लिए आपको अपने ओल्ड प्रोस्पेक्टिव्स को, अपनी ओल्ड थिंग्स को छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा नेसेसिटी भी होती है। तो अपने आप को ओपन कीजिए लाइफ के हर एक्सपीरियंस को लेने के लिए और हर मोमेंट से बेस्ट निकाल के लेके आइए। चेंजेस कभी भी डराने के लिए नहीं होते हैं और चेंज होना होता है कई बार कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा रूड हो सकता है, लेकिन चेंज हमेशा बेस्ट के लिए होता है। तो ये बहुत ही आइडियल टाइम है, आइडियल मोमेंट है कि आप अब आप अपनी लाइफ में ग्रो अप कीजिए और एक मैच्योर्ड पर्सन बनने की कोशिश कीजिए, एक अडल्ट बनने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ को सीरियस लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि लाइफ में एक मोमेंट तो ऐसा आता ही है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस करना होता है, आपको लाइफ में सीरियसनेस को लेके ही आना होता है। डेफिनेटली कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि आप अपनी लाइफ को इंजॉय करते हो, लेकिन हर टाइम इंजॉयमेंट इज़ नॉट गुड फॉर एवरीवन, नहीं अच्छी होती है। तो आपको अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एक मैच्योर्ड पर्सन बनो, अपनी लाइफ को एक सीरियस वे में जीना स्टार्ट करो और एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना स्टार्ट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस करना स्टार्ट करो। और चेंजेस जब भी आएंगे तो आपकी लाइफ को अच्छे के लिए चेंज करके जाएंगे और आपके लिए एक
बेस्ट और ग्रोइंग जो लाइफ है वो आपको देखे जाएंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए और उनसे बेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अब वो टाइम आ गया है कि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, जहाँ आप सिंगल हो, एक्चुअली रिलेशनशिप में, तो आप अपने पार्टनर को बताओ कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आप उनके साथ कैसे लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी एक सीरियस एलिमेंट को लेके आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक मैच्योरिटी को लेके आने की ज़रूरत है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपको, तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपको एक दूसरे को कैसे सरप्राइज करना है, अच्छे अच्छे मोमेंट्स को क्रिएट करना है, अपने इमोशंस को, अपने फियर्स को, अपने फीलिंग्स को शेयर करने से कभी भी मत डरिए अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक रिलेशनशिप में। तो अगर आपको ये नंबर एंजल नंबर 2525 दिख रहा है, तो आपको अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर अभी आप अपनी रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हो और मैच्योर नहीं हो, तो वो भी आपको होने की ज़रूरत है। तो जब भी आपको ये नंबर दिखे, तो कहीं ना कहीं आपको पास्ट को पीछे छोड़ना है, अपने फ्यूचर के ऊपर वर्क करना है, और आपको अपने सराउंडिंग्स में ऐसे पर्सन्स को रखना है जो आपके लिए बेस्ट सोचते हैं और आपकी केयर करते हो। ओपन कम्युनिकेशन रखनी है और लाइफ के हर एक्सपीरियंस के लिए अपने आप को ओपन कर देना है, और थोड़ी सी मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में लेके आनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय, टेक केयर।